शिक्षकों का मामला है, सामने आया है। शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है, शिक्षा विभाग को चेतावनी दे दी है, सरकार को भी चेतावनी दे दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। मामला शिक्षा विभाग का है और नियोजित शिक्षकों का है। जी हाँ, जिन नियोजित शिक्षकों की बहाली अप्रशिक्षित के तौर पर हुई थी, यानी शिक्षक जो है उन्होंने ज्वाइन किया था लेकिन वो अप्रशिक्षित थे और उन्हें प्रशिक्षित कराने का जो जिम्मा है वो शिक्षा विभाग का था, लेकिन उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। अब वैसे शिक्षकों ने मोर्चा खोल लिया है। दरअसल इन्हें प्रशिक्षण देकर ट्रेंड शिक्षक बनाया जाना था, ये अंडर ट्रेंड शिक्षक थे, इनकी बहाली की गई थी लेकिन उन्हें समय दिया गया था कि इस समय के भीतर, समय सीमा के भीतर उन्हें ट्रेंड हो जाना है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं हो चुके। इसके लिए शिक्षकों ने सरकार को भी दोषी ठहराया है और कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से ही वो ट्रेंड नहीं हो सके और उनकी नौकरी चली गई। तो सरकार को उन्होंने चेतावनी दे दी है, शिक्षा विभाग को चेतावनी दे दी है कि उनकी नौकरी बहाल की जाए और उन्हें ट्रेंड कराया जाए। तो ऐसे में जो अप्रशिक्षित शिक्षकों का संघ है, जो जिनकी नौकरी गई है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और क्या कह रहे हैं ये शिक्षक आपको सुनवा देते हैं। तो शिक्षकों की गुहार सुन लीजिए सरकार। मेरी बहाली 2017 में हुई सर, नोटिफिकेशन था 2008 का। हमको मुखिया जी बहाली नहीं किए तो हम प्राधिकार में चले गए। प्राधिकार से मुझको 12 में आदेश निर्गत हुआ कि इनका योगदान कराया जाए, लेकिन योगदान नहीं हुआ तो पुनः हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हमको आदेश मिला कि इनको मैंने योगदान कराया जाए 14 में, लेकिन 14 से लेकर 17 तक हम लोग दौड़ते रह गए। 17 में मेरा योगदान हुआ और 17 के बाद एक भी बार मैंने ट्रेनिंग नहीं कराया गया। और अब हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अयोग्य हैं, आप लोग हटिए। तो मैं सर मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और जो डायरेक्टर हैं और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के हैं, सभी से आग्रह करता हूं सर कि हम लोगों को अविलंब सेवा में बहाल रखते हुए हम लोगों को प्रशिक्षण कराया जाए, और नहीं तो हम लोग सब परिवार इस बैठी में जो मेरा ये थी हो रहा है चुनाव 2019 का, सब परिवार हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे सर, और नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे सर। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा सर, तो सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे सर। आखिर ये किसकी कमियां है, क्यों आप लोगों की परीक्षा नहीं ली गई है, क्या विभाग के द्वारा क्या कमियां दिखी? टोटल विभाग का कमी है, शिक्षा विभाग के गलत नीतियों का शिकार हम लोग हुए हैं सर। अगर शिक्षा विभाग हम लोगों के साथ ईमानदारी पूर्वक पेश आती तो हम लोग एक भी टीचर अयोग्य नहीं होते, लेकिन शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण हम लोग आज तक अप्रशिक्षित है सर, और इसी का हवाला दे करके हम लोग को हटाया जा रहा है। आज 17 महीना हो गया सर, 17 महीना से मैं डेली स्कूल जाता हूँ, अभी स्कूल से हमको हटाया नहीं गया है, डेली स्कूल जाता हूँ, 9 से 5 ड्यूटी भी करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। जरा सोचिए उनके, मेरे बच्चे और मेरे परिवार कैसे रह रहे हैं। मैं एकदम मैंने भीख मांगने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। एक तो हमारे माननीय के पाठक जी हैं कि वो हमेशा बोलते हैं कभी 8:30 बजे आओ तो कभी 9 बजे आओ, और 5 बजे जाओ तो कभी 6 बजे जाओ, इसी ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए माननीय के पाठक जी से भी अनुरोध करता हूं सर कि कम से कम जो भी शिक्षक अभी सेवा में हैं सर, उनको अविलंब गुजारा भत्ता दीजिए। अगर वेतन नहीं देते हैं तो गुजारा भत्ता दीजिए, ताकि मेरा भी परिवार कम से कम बढ़िया से नून रोटी खा सके सर। नाम बता, मेरा नाम हर्षवर्धन मणि, जिला भोजपुर, मैं प्राथमिक विद्यालय परनिया में शिक्षक हूं सर। आप लोग कब बहाल हुए थे, किस प्रक्रिया के तहत बहाल हुए थे? 2000 मुद्दा रखिए, मेन मुद्दा सर हम लोग का है कि सेवा मुक्त जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक जो सेवा मुक्त हो गए हैं उनको अविलंब सेवा में लाया जाए और उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था कराया जाए। सेवा मुक्त जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हो गए हैं उनको अविलंब सेवा में लाया जाए और उनको प्रशिक्षण का व्यवस्था कराया जाए। कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान अविलंब कराया जाए और डीएलएड ओडीएल से जो भी प्रशिक्षण हुआ है उसका पूरक परीक्षा की तिथि अविलंब मतलब घोषित किया जाए। एनआईओएस का भी पूरक परीक्षा का तिथि अविलंब घोषित किया जाए।
ये माननीय मुख्यमंत्री जी से जी से मामला किया गया था। और एक देखिए सर, केंद्र सरकार का था कि 31 तीन 2019 तक जो प्रशिक्षण पूरा कर लिया है वो सेवा में बने रहेंगे, और 31 तीन 2019 तक जो प्रशिक्षण पूरा नहीं किए हैं उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो जी, तो हम लोग ये पूरक परीक्षा नहीं लिया गया ना, जैसे अगर कोई शिक्षक एक या दो विषय में अगर अब्सेंट कर गया है तो उसको दो मौका और देना था, अतिरिक्त मौका देना था, वो नहीं लिया गया। और प्राइमरी डायरेक्टर का दो दो बार लेटर आया, एक 21 में लेटर आया और एक 23 में लेटर आया कि जिनका भी पूरक परीक्षा नहीं हुआ है ओडीएल वाले का उनका अविलंब मतलब पूरक परीक्षा लिया जाए, लेकिन अभी तक आज 5 साल हो गया अभी तक पूरक परीक्षा नहीं लिया गया। सर आप लोगों ने कोर्ट रूट का सहारा नहीं लिया अभी तक, इतना 5 साल होने जा रहा है तो। कोर्ट का तो सहारा हम लोग लिए ही थे, तो कोर्ट में चल रहा है सर। और ये SCERT मतलब ब्लेम कर रहा है आपको, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि ये एग्जाम लेंगे, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहती है कि नहीं SCERT के जिम्मे में है। तो सुना आपने, जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ विभाग ने सौतेला व्यवहार किया। शिक्षकों को जो है सरकार का ये की ये जिम्मेवारी थी कि उन्हें ससमय टेंड किया जाए। आपको बताएं, अप्रशिक्षित शिक्षकों को ससमय प्रशिक्षण दिलवाने का दायित्व तो सरकार का है, जैसा कि शिक्षक कह रहे हैं। और उनका कहना है कि 2006 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था सत्र 2013-15 में प्रारंभ की गई। 2013-15 से ये शिक्षण की जो प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई, और उसके बाद नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों को 2017-19 में तक में नामांकित कर सभी को एक साथ अंतिम फाइनल परीक्षा 2019 में लिया गया। परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में उन्हें पूरक परीक्षा तक का भी मौका नहीं मिला। तो जो परीक्षा उत्तीर्ण कर गए 2019 तक, 31 से मार्च 2019 तक का वक्त तय किया गया था कि उस वक्त तक जो प्रशिक्षित हो जाएंगे उनकी नौकरी बचेगी, नहीं तो बाकी की चली जाएगी। तो वैसी स्थिति में जो शिक्षक इस तिथि तक प्रशिक्षित नहीं हो पाए, यानी जिनका रिजल्ट लटक गया, जिन्हें पूरक परीक्षा का जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए उन्हें पूरक परीक्षा का भी मौका नहीं दिया गया, उनसे नौकरी छीन ली गई। तो ये लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, और एक बार फिर उन्होंने मोर्चा खोला है। चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त में उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि ये जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक जो कार्यरत थे, जो अप्रशिक्षित थे, अनट्रेंड थे, उन्हें ट्रेंड सरकार ने कराया नहीं, मौका दिया नहीं, लेकिन उनसे नौकरी छीन ली। तो अब सरकार उन्हें नौकरी में बहाल करे, उन्हें ट्रेंड करे, और नहीं अगर सरकार ऐसा करेगी तो चुनाव में सबक सिखा देंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।